जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में राजकीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जननायक की आदमगत प्रतिमा पर उनके पुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, वरिष्ठ जदयू नेता अनिल सिंह, डीएम योगेंद्र सिंह, एसपी विनय तिवारी सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर जननायक के पुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर सदा गरीब, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा कि जननायक के विचारों को लेकर नीतीश सरकार भी काम कर रही है। महानायक जननायक कर्पूरी जी का आज जयंती है। ऐसे इस अवसर पर पूरे जिला के जितने गणमान्य लोग थे सभी को यहाँ जुटे हैं। राजकीय सम्मान समारोह है और मैं समझता हूँ कि कर्पूरी जी ने जो करके दिखाने का काम किया, जिस तरह से गरीबी में रहते हुए समाज के आगे बढ़ाने का काम किया, न्याय देने का काम किया, और आज के पीढ़ी के लोग यदि कर्पूरी जी के बुक के किताब को पढ़ेंगे लिखेंगे, उनकी जो संस्कार था, उनका किए हुए काल था, मैं समझता हूँ कि सब कोई आगे बढ़ने का काम करेगा। और हम लोग भी आदरणीय जो कर्पूरी जी बताए गए थे उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और सब कोई हमारे जो उनके अनुयायी है सब कोई उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। आज बिहार की सरकार भी है उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रही है, तो मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों में फूल माला देता हूँ। जब से रखा कदम आपने राजनीति में, जब से रखा कदम कभी सुख चैन न पाया, सदा आप पाए गम कि आप तो मर के भी इस मुल्क में बेमिसाल बने, आप तो मर के भी इस मुल्क में बेमिसाल बने और बाद मरने के आप झोपड़ी के लाल बने। और डीएम साहब एक आग्रह आपसे है, महानायक जननायक कर्पूरी जी का आज जयंती है, ऐसे इस अवसर पर पूरे जिला के जितने गणमान्य लोग थे सभी को यहाँ जुटे हैं। आज राजकीय सम्मान समारोह है और मैं समझता हूँ कि कर्पूरी जी ने जो करके दिखाने का काम किया, जिस तरह से गरीबी में रहते हुए समाज के आगे बढ़ाने का काम किया, न्याय देने का काम किया, और आज के पीढ़ी के लोग यदि कर्पूरी जी के बुक के किताब को पढ़ेंगे लिखेंगे, उनकी जो संस्कार था, उनका किए हुए काल था, मैं समझता हूँ कि सब कोई आगे बढ़ने का काम करेगा। और हम लोग भी आदरणीय जो कर्पूरी जी बताए गए थे उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और सब कोई हमारे जो उनके अनुयायी है सब कोई उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। आज बिहार की सरकार भी है उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रही है, तो मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों में फूल माला अर्पित करता हूँ।